भाई साहब, कुछ लोगों का कहना है कि आज से बरसों पहले बिजली गिरी थी और वो बिजली लगभग 3-4 साल बाद निकली और उससे जो है ये गड्ढा बना है। क्या कहना चाहोगे? लोगों की अफवाहें अलग अलग आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कुआं बावड़ी नीचे हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि हर साल थोड़ी थोड़ी ये जमीन जो अंदर जा रहे है, आप तो ग्रामीण क्षेत्र के हो, यहाँ से गुजरना होता है। क्या लग रहा है, कैसे ये गड्ढा हुआ होगा? ये बिजली वाली की अफवाह है। तो ये तो आपके थोड़ा आप तो थोड़ा तो हर साल जाते, 4-5 साल से लगभग। 4-5 साल से कितना अंदर जाता होगा? थोड़ा बहुत कभी दरार आ जाती है, कभी थोड़ा नीचे रह अच्छा, जाती थोड़ा थोड़ा दिखता है कि यहाँ कुछ होगा। तो ये जमीन जो चौमासे की फसल तो यहाँ लेते नहीं होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं। है। नहीं लेते हैं कभी कभी, कभी कभी लेते हैं। ज्यादा बंदर नहीं लेते हैं। हाँ ये तो है जो तो फोटो ही है, है, ये तो है जो साउथ फोटो है। थोड़ा आगे आओ ना। ये रोड हो यानी आप कहना इतने, कि इतना जो एरिया है वो पहले हाँ वो से, पहले छोड़ दो कभी को भेज, तीन दिन जान हो तो यानी आप, तीन दिन भी आपने जान हो। कभी, आप तो यहीं के हो ना, आपने कभी ऐसी दरारें कभी कोई अपने खेत जीवन ही में, मारो ये ना था, वो खेत उनके अच्छा मारो आपके परिवार से ही पिछले है, साल देखी, पिछले साल देखी। दरारें कहीं देखी है हाँ ऐसे? हाँ हाँ बार बोल नहीं दिए बार, तो जो आपने कभी अलर्ट होने का ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ कुछ जो हो सकता है? हम तो ये सोचा है कभी माँ पानी भरे जन मोटी से बैठे जन थोड़ा 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 त्राड़ दे रहे हो। जैसे जो ये मिट्टी वाली जमीन होती है, जब जब बारिश होती है उसके बाद में जो पानी सूखता था हाँ वैसे बनती है, हाँ वैसी बनती थी इसमें, मानना ही है गेट हो या उसी है? यार साइड में मतलब ढाल है ढाल। हाँ हाँ पानी सोख सो अच्छा, एक ये भी है, देखो एक चीज ये बताओ, यहाँ से हम लोग दूरी पे है काफी, प्रशासन प्रशासन अलर्ट है इसके वजह से हम लोग दूर है, तो हो सकता है ये पानी पूरा का पूरा एरिया का पानी यहाँ जाता होगा तो ऐसा हुआ होगा, है? पानी पानी बहुत अच्छा आप तो बिल्कुल ग्रामीण हो, ये भाई साहब तो जो इनसे भी मैंने बात की थी, ये तो लूंगा, आप तो यहाँ के हो, तो आपको क्या लग रहा है कैसे हुआ होगा? कोई आइडिया? जो कोई बोलता बिजली है, कुछ लोगों में ये बोलता है बहुत कि बिजली तो हमारे जो दादा परदादा देखो से भाई अभी क्या होता अभी है, भी ये एक वीडियो के अंदर एक छोकर महिला कोई महिला नहीं है, देख रही, कहीं नहीं बिजली अटपट थी मूर्ति वहाँ उन्होंने बताया कि ये कोई, लगभग वो आज से सैकड़ी साल कोई पहले। अबकी हाँ बार वो दलडो पड़ी जैसे कोई मैं गाज की कोई नहीं उसने, कोई जमीन में बैठ गई और लारे सिरकियो दलडो मां बिजली ऊपर गज जाओ बिल्कुल बिजली गिर गई बट इतनी बात हुई और बिजली वाली पड़ोड़ी की को ना कर देखी बिजली है। अब थोड़ी गिरी, अब अभी गान देखो गिरी तो अभी मैं गिरी। मंडोड़ तो को जनाब कर अभी रही अभी मंडोड़ क्या क्या निर्णय क्या हुआ है इसका? क्या सोचा है प्रशासन ने या कोई किसी ने बताया होगा कि अभी इसके जो है निर्णय इसको? भाई साहब की को सोचो एक बार निर्णय ये रे सी मारे साहब थोड़ी लागे दलडो अभी पड़ गयो अब खेत जमीन कल लाल जी कल और रुक जी कल कलेक्टर के धरनो सी गांव अच्छा, का विचार करे अभी इसको लगभग भाई साहब क्या नाम है आपका? गोरखनाथ गोरखनाथ। जी? अच्छा नाथ ज्यादा है क्या इस गांव में? सो करे ना था नाथ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ अगर इसको ऐसे जो है पूरा का पूरा मिट्टी इसके अंदर डाल दिया जाए, तो कोई प्रशासन ने कुछ भी अभी के कहा नहीं है? लगभग 4-5 दिन हो गए ना, 19 कितने तारीख को? 16 तारीख सोलह को, तारीख 16 तारीख से ही है। 4 दिन के हाँ पहले हाँ जांच होगी, कल इसके जांच के लिए अधिकारी आए थे, कल कल आए थे, तो आए थे यहाँ आज से आए क्या हैं। लेके गए वो मिट्टी पर कल मैं यहाँ तो नहीं था, आए थे जांच के लिए आए थे? अभी जांच के लिए। आपका कहना है कि अगर इसको 2-4 दिन में नहीं निकाला तो फिर कलेक्टर के आगे धरना दोगे? हाँ, क्योंकि एक तो ये भी तो है ना, अभी इस खेत के मालिक को तो डर है ही कहीं ज्यादा जमीन ना धस जाए या फिर आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो जाए, और रास्ता चलने वालों को भी अभी डर हो गया एक चीज। ये रास्ता ये रोड मंजूर हुई है पुल से तो रोड तो पहले से डबल, 30 फुट चौड़ी, 30 फुट चौड़ी रोड पास हुई है, तो अभी तो एक तो ये भी आफत खड़ी होगी, क्योंकि यह भी आपूर्ति है अगर रोड तो वो बाईपास है, यहाँ कौन गांव का मांगर काट दिया, ये गांव मांगर काट दिया, बाईपास रोड है नहीं, पूरा। एक तो ये भी हो गया ना कि अगर रोड जैसे 30 फुट चौड़ी रोड होती तो बड़े साधन चलते हैं, भारी वाहन चलते हैं, तो उनको ये भी डर है कहीं अंदर फंस ना आए। ये यहाँ पास पास के बहुत गांवों से जुड़ी हुई है, यही अच्छा शहर नजदीक इधर यही शहर है, आपके गांव से इधर कितने गांव तक जाती है रोड? ये लोनगंज सिर्फ लोनकर सब हाँ, जाती है, फिर आगे से बीच ऐसे? में हाँ ढाणिया था हाँ गोपाल राम ढाणिया, इतने ऐसे कमों का मैं तो 100 गांव जुड़ गया, 100 गांव जुड़ ये गया साइड सौ अपने सैकड़ी गांव से। गांव में, हाँ 100 गांव यानी जुड़ गया, लूणकर से सैकड़ी गांव में इस साइड जुड़ी हुई है, और आगे बीकानेर है, बीकानेर नौका नौका नोखा, नौका बीकानेर बीकानेर कौन सा जितो साइड है? भी तो बीकानेर एरिया वे रोड से मिला हुआ है, जुड़ रहा है रोड कहने का मतलब आने टाइम आने वाले टाइम में ये मेन रोड बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा फिर से ना हो। इसकी जांच हो बगैर तो उसमें हम ये जो मिट्टी भरते हैं साफी को कोई बड़ा कोई सारी वीडियो प्लीज ये हमारे ऊपर एक आप में से कोई हो यहाँ से? आप हो गए सब बारे बारे का कहाँ से हो भाई साहब आप? ढूंढ कर सर, लूणकर सर, और कहाँ से? सरदार सर से साइड से कौन आए थे आइए आप? मैं तो शॉर्ट वाली ढूंढ कर सर, तो माइलो आप यहाँ देखने आए हो कि धोख देख लगाने रहे हो? देख
देखो अभी एक चीज बताऊं, अभी एक व्यक्ति को मैंने पूछा था, मतलब हम लोग यहाँ बालाजी का मंदिर है क्या वो सामने, वहाँ पे धोक लगाने आए तो जाते जाते हमने सोचा देख ले। एक व्यक्ति बोल रहा था कि शादी में गया था, तो आप स्पेशल देखने आए हो? स्पेशल देखने आए। क्या मन में क्या लगा कि यार क्या होगा वहाँ पे, खड्डा हो गया तो खड्डा हो गया, देखते हैं क्या चीज हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई साहब भी है जो कवरेज करने में लगे, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने कैमरा में कैच करूं, ये दर से पब्लिक को दिखाऊं। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि अगर ये कुछ दिन और रहा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग देखने आएंगे। और एक चीज भाई साहब, आपके गांव का नाम हमने जीवन में कभी नहीं सुना, लूनकरनसर सुना है, भोपालराम की ढाणी सुना है, कालू सुना है, बीकानेर सुना है, लेकिन ये खड्डा होने के बाद में आपका गांव का नाम अभी मुझे लग रहा है इंडिया लेवल पे हो जाएगा। आपने देखा होगा ये गारबदेश्वर के पास में गांव की बच्ची थी, दोनों हाथ कटे हुए थे, मास्टर की नौकरी लगी थी, तो उसमें सरदार सर से वो सम्मानित हुई। उसके बाद में उस गांव का नाम इतना सोशल मीडिया पर सब जानने लगे, तो देखो अनोखी चीज कुछ आए तो पब्लिक में पॉपुलर हो जाती है, ये चीज तो है। तो आज देखा अपने कुछ ग्रामीण थे, उन्होंने उनका कहना है कि अगर प्रशासन इस पे और जल से ध्यान नहीं देता है तो हम लोग जो है कुछ नया कदम उठाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।